लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आजकल देश में धर्म की बात होती है, हिंदू धर्म की बात होती है, हो रही है पूरे देश में। तो हिंदू क्या होता है? हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है। हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। एक तरफ सच्चाई, दूसरी तरफ झूठ, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ नफरत, एक तरफ अहिंसा, दूसरी तरफ हिंसा। हिंदू हिंदुत्ववादी, महात्मा गांधी नथुराम गोडसे। तो नरेंद्र मोदी जी ने, वो कहते हैं मैं हिंदू हूं, तो चलिए सच्चाई की नरेंद्र मोदी जी ने कहां रक्षा की मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं देश के हर युवा को, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। सच्चाई या झूठ? सच्चाई या झूठ? हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोरोना के समय कहा, भाइयों और बहनों थाली बजाओ, कोरोना चला जाएगा। हिंदू या हिंदुत्ववादी? नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई, चाइना की सेना ने 1000 किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन हड़प ली है। हिंदू या हिंदुत्ववादी? ये देखिए, हिंदू की जो भावना आती है कहां से आती है? वो अंदर से पैदा होती है, वो प्यार की भावना होती है, निडरता की भावना होती है। जिसके दिल में प्यार नहीं है उसके दिल में डर ही डर होगा, जिसके दिल में डर है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में बाकी लोगों के लिए प्यार नहीं है, जो बाकी दुनिया से गले नहीं लग सकता, वो हिंदुत्ववादी। हिंदू सबसे गले लगता है, हिंदू किसी से नहीं डरता है, हिंदू कभी झूठ नहीं बोल सकता है। तो भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा स्वयं कि मैंने ये 3 कानून जो किए हैं, लागू किए हैं, ये किसानों के हित के लिए मैंने कानून लागू किए हैं। याद है, पूरे देश का किसान एक साथ खड़ा हो गया, कहता है नहीं, झूठ बोल रहा है नरेंद्र मोदी, झूठ बोल रहा है, ये 3 कानून हमारे हित के लिए, हित के नहीं है, ये 3 कानून अंबानी और अदानी के लिए बनाए गए हैं। पूरे देश के कानून, पूरे देश के किसान ने यह बोला। 1 साल नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? खालिस्तानी है खालिस्तानी, झूठ। हिंदुस्तान के किसान के बारे में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। हिंदू या हिंदुत्ववादी? उसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों और बहनों, यूपी का चुनाव है ना, भाइयों और बहनों गलती हो गई, माफी मांगता हूं, मैंने गलती कर दी, माफी मांगता हूं। फिर से झूठ। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गलती नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े पूंजीपतियों के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी जी ने क्या काम किया? नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के किसानों से उनकी मेहनत, उनकी कमाई छीन कर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े पूंजीपतियों को
दिलवाई। गलती नहीं थी भाई और बहनों, उसमें कोई गलती नहीं थी, वो उन्होंने जानबूझ के काम किया था। एक बार फिर क्या है, प्रेशर, प्रेशर दबाव। एक और बात सुन लीजिए, हिंदू प्रेशर के सामने नहीं झुकता, हिंदुत्ववादी जरूर झुक जाएगा। देखिए, जब गोडसे को, नथुराम गोडसे को फांसी लगी ना, बच्चे जैसे रोया था वो, पैर कांपे थे उसके, हिंदुत्ववादी। गांधी जी रोए नहीं थे, तीन गोली लगी थी, हे राम बोला उन्होंने, एक आंसू नहीं निकला। ये होता है हिंदू। मैं यहां क्यों आया, मैं आपको यह बताने आया हूं कि देखिए, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, सच्चाई का रिश्ता है, पुराना रिश्ता है और बहुत लंबा रिश्ता है, और यह रिश्ता कभी टूटने वाला नहीं है।